हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के द लास्ट लेसन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हालांकि हम इस वीडियो को पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पहले भी पढ़ चुके हैं, बट हम यहां पर कर रहे हैं अभी रिवीजन और हम बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ करने वाले हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं रिवीजन के लिए। जल्दी ही बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं, काफ़ी सारे आपके चैप्टर्स हैं और उनको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे और सभी चैप्टर्स की वीडियो भी हम वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें साथ में हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे और बहुत ही कम समय में चैप्टर को रीड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पर देखिए, जो वर्ड लिमिटेशन होती है क्वेश्चन की, वो होती है 40 to 50 वर्ड्स। तो देखिए, यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो पिछले कुछ लास्ट ईयर्स में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से आपको ज़रूर आता है। ये क्वेश्चंस आप जानेंगे, पढ़ेंगे और डिटेल में इनको हिंदी में भी हम समझने वाले हैं और आने वाली वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। पूरा पोएम को भी हम डिटेल में जानेंगे, पोएटिक डिवाइस को भी हम पढ़ने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स को हम कम्प्लीट कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है। तो देखिए, यहाँ पर दो तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है, दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। हाउ वाज द सीन इन द स्कूल इन द ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डे। तो देखिए, यहाँ पर बताना है किस तरह से जो स्कूल का सीन है वो उस सुबह जो लास्ट लेसन की सुबह थी उस समय कुछ डिफरेंट होता है अलग दिनों से। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर ईयर्स भी दिए गए हैं कि कब कब और कौन कौन से ईयर में कहाँ पर इन क्वेश्चंस को पूछा गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाउ वाज एम हैमल्स क्लास डिफरेंट द डे फ्रांस वेंट लेट टू स्कूल। तो देखिए, उस दिन जिस दिन उनका लास्ट लेसन था, उस दिन जब फ्रांस लेट जाता है स्कूल में, तो किस तरह से उन्हें वो डिफरेंट लगता है। तो चलिए जानते हैं हम आंसर को। यहाँ पर जनरली देयर वुड बी अ ग्रेट हॉस्टल, का मतलब होता है शोरगुल होना, क्लोजिंग एंड शटिंग ऑफ डेस्क। तो देखिए, डेस्क के बंद करने खोलने यानी कि आगे पीछे करने का काफ़ी शोर होता है हर रोज। लेसन्स रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा करके जोर शोर से हर रोज चैप्टर्स को लेसन्स को रिपीट किया जाता था। रैपिंग द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, तो देखिए जो टीचर्स होते थे वो टेबल पर रूलर को अपने पटकते रहते थे। ऑल ऑफ विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये सारी चीज़ें बाहर से ही, मतलब स्कूल आने से पहले जो गली थी वो पड़ती थी, वहाँ पर सुना जा सकता था। बट द डे एवरी थिंग वॉज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन उस दिन जिस दिन लास्ट लेसन था और फ्रांस लेट आया था, उस दिन मतलब सब कुछ अलग सा लग रहा था। देयर वॉज नो नॉइस, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो रही थी, शोरगुल बिल्कुल नहीं था। और शीटेड ऑलरेडी फ्रांस वॉक इन लेट एंड एम हैमल लेट हिम कामली। तो देखिए, हर रोज़ क्या होता था, जब जो फ्रांस था वो लेट जाता था तो उसे डांट पड़ती थी, लेकिन उस दिन क्या होता है कि देखता है कि हर कोई अपनी सीट पर बैठा हुआ है, हर रोज शोरगुल हुआ करता था और जो टीचर हैं एम हैमल बहुत ही शांति से उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। ही देन नोटिस दैट हिज सर वॉज ड्रेस्ड इन द बेस्ट क्लोथ्स एंड देयर वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सीटेड एट द बैक ऑफ द क्लास। तो देखिए, और दो चीज़ें क्या नोटिस करते हैं, वो नोटिस करते हैं कि उस दिन जो उनके टीचर थे वो बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन कर आए थे और जो एल्डर पर्सन थे विलेज के वो सभी लास्ट वाली बेंचेस पर बैठे हुए थे। इट वाज अ बिट लेटर दैट फ्रेंच रियलाइज व्हाई द डे वाज डिफरेंट, और थोड़ी देर बाद फ्रेंच को पता चलता है कि आज का जो दिन है वो अलग क्यों है। इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और उसे पता चलता है कि आज का जो लेसन है वो उनके फ्रेंच का लास्ट लेसन है, यानी कि एम हैमल उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाएंगे। हाउ डज़ एम हैमल पे अ ट्रीब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, आगे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये आया था CBSE में और यहाँ पर बताया गया 2008 में इसको पूछा गया था। व्हाट डिड एम हैमल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड वाई। तो देखिए, यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन का मीनिंग सेम ही है कि जो हमारे एम हैमल होते हैं उनके जो टीचर होते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मतलब कैसे गुणगान करते हैं, उनकी उसके अच्छेपन को कैसे बताते हैं और ऐसा वो क्यों करते हैं, ठीक है, वो उनसे क्या करने के लिए कहते हैं, ये भी पूछा गया है। तो देखिए, ये 11 और 13 दोनों में पूछा गया था।
एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो देखिए जब वो अपना चैप्टर पढ़ाती हैं, लेसन पढ़ाती हैं, क्लास में होती हैं, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करती हैं। ही सेड दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो कहती हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। इट वॉज द क्लियरेस्ट, ये बिल्कुल क्लियरेस्ट है, सबसे क्लियर है, एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज में ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल भी है। ही आस्क्ड द पीपल टू गार्ड इट अमंग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट। तो देखिए वो लोगों से, यानी कि जो स्टूडेंट थे या दूसरे लोग थे, उनसे ये भी कहते हैं कि वो उन्हें जो है कभी मत, उसे गार्ड करके रखें, उसे बचा कर रखें और उसे कभी भूले नहीं। एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज दे हैव द की टू दियर प्रिजन। तो देखिए वो उसे ये भी बताते हैं कि अगर लोग अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बनाए रखते हैं तो उनकी जो जेल की चाबी होती है ना, वो हमेशा उनके हाथों में होती है, यानी कि उन्हें कोई दास नहीं बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिनेरियो ऑफ द स्कूल कमेंट। तो देखिए एक बर्लिन से जो एक ऑर्डर आया था उसने पूरे स्कूल के सिनेरियो को बदल दिया था, इस पर हमें कमेंट करके बताना है कि ऐसा क्यों था। देखिए द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन लीड टू द अनाउंसमेंट दैट फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट एनी मोर। तो देखिए बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर क्या था, ऑर्डर था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है अब स्कूल में और नहीं पढ़ाई जाएगी, एंड इंस्टेड जर्मन वुड बी टॉट बाई अ न्यू मास्टर, और उसके बजाय आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी और वो भी एक न्यू मास्टर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। दिस वॉज टू बी दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, और क्या था कि ये उनका आखिरी फ्रेंच का लेसन था। द क्लास वॉज क्वाइट, और इसी बात को लेकर जो पूरी क्लास थी वो बिल्कुल शांत थी। एज इफ इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था पूरा सीन जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। विद नो हस्टल एंड बस्टल, ना तो कोई शोरगुल था। द टीचर एम हेमल वॉज पेशेंट एंड काल। तो देखिए बहुत ही धैर्य से वो पढ़ा रहे थे, बिल्कुल शांत थे, एंड इनवर्डली इमोशन, और अंदर से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे थे। ही वॉज इन हिज स्पेशल क्लॉथ, उस दिन वो अपने बिल्कुल स्पेशल क्लॉथ पहन कर आए थे। एंड सॉरी द सैड विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस लाइक द अदर स्टूडेंट, और जो विलेजर्स थे, कुछ विलेजर्स वहाँ पर आए हुए थे, वो लास्ट बेंचेस पर बैठे हुए थे बिल्कुल दूसरे स्टूडेंट्स की तरह। एंड द टीचर एक्सप्लेन द लास्ट लेसन वेरी पेशेंटली। तो देखिए काफ़ी धैर्य से ही जो टीचर थे वो अपना लास्ट लेसन एक्सप्लेन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। यहाँ पर ये लाइन कही गई है फ्रांच के द्वारा। विच वर द वर्ड दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रांच। तो देखिए वो कहते हैं कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर टू मी, मतलब कैसे बिजली की कड़कड़ाहट की तरह मुझे वो शब्द लगे। तो कौन से वो शब्द थे जिनसे फ्रांच जो है काफ़ी शॉक्ड थे और सरप्राइज थे, ये हम जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो सकते हैं, तो स्किप मत करिए और पूरा पढ़ के चलिए। एम हेमल सेड माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन। तो देखिए एम हेमल कहती हैं मेरे बच्चे ये मेरा, ये मतलब हमारा लास्ट फ्रेंच का लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, जो मैं तुम्हें दूंगा। एंड ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अलसेंस एंड लॉरेंस। तो देखिए वो कहते हैं कि जो बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी अलसेंस और लॉरेंस के स्कूल में, लॉरेन के स्कूल में। द न्यू मास्टर विल कम टुमारो, और वो बताते हैं कि कल से नए टीचर यहाँ पर आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट लेसन, और वो कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव, और वो कहती हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बहुत ध्यान से पढ़ो। दीज वर्ड्स बाई हिज टीचर वर अ थंडर क्लैप फॉर फ्रांच, और यही शब्द फ्रांच के लिए थंडर क्लैप की तरह थी। जो उसके टीचर ने ये शब्द कहे यही उसके लिए थंडर क्लैप की तरह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द नेगलेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज लाइक फ्रांच। तो देखिए किस तरह से किसको वो ब्लेम करते हैं कि वो लर्निंग को नेगलेक्ट करते थे, मतलब अनदेखा करते थे वो जो फ्रेंच जैसे लड़के थे उनके लिए। देखिए एम हेमल ब्लेम द पेरेंट्स फॉर द नेगलेक्ट ऑफ लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज एज दे
एंगी इज़ द बॉय इन द फार्म वर्क। तो देखिए सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को ही ब्लेम करते हैं कि वो जो है बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के बजाय उन्हें एंगेज करते थे फार्म वर्क करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं टू सम एक्सटेंट एज टू असाइन द वर्क फॉर गार्डनिंग टू द बॉयज़ लाइक फ्रेंच। और वो कहते हैं कि मैंने भी गार्डनिंग जैसे कुछ काम दे दिए थे छोटे फ्रेंच के जैसे लड़कों को, जैसे गार्डनिंग का कुछ काम दे दिया हो। ही ऑल्सो गेव दैम ए हॉलीडे वैन एवर ही वॉन्टेड टू गो फॉर फिशिंग। और वो कहते हैं कि वो उन्हें हॉलीडे भी दे दिया करते थे जब कभी वो फिशिंग करना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पर वो पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से हम पढ़ते चले जा रहे हैं, अगर आप इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे मुझे लगता है कि आपको चैप्टर को भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे देखते हैं, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट ऑन दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम हेमल। तो देखिए जब फ्रेंच को ये बताया जाता है कि ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो इससे मतलब फ्रेंच किस तरह से रिएक्ट करता है, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन। सेम ही क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया गया और इसी तरह से घुमा कर दिया भी जाता है, तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको पता है किस चैप्टर से स्टोरी क्या है, आप उसे आराम से लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, द अनाउंसमेंट मेड बाई एम हेमल लेफ्ट द ग्रेट इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन फ्रांस बट ऑल्सो ऑन ऑल द अदर सिटीजन्स। मतलब कि लिटिल फ्रांस ही इसे लेकर रिएक्शन में नहीं थे, मतलब दूसरे सिटीजन जो थे उन पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। फ्रांस वाज शॉक्ड टू हियर दैट एम हेमल वाज लीविंग एंड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन। तो देखिए फ्रांस जो है काफ़ी आश्चर्यचकित था ये सुनकर कि एम हेमल जो है स्कूल को छोड़ रहे हैं और ये उनका लास्ट लेसन है। ही रियलाइज दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रीड एंड स्पीक हिज ओन मदर टंग। तो देखिए यहाँ पर फ्रांस को रियलाइज़ होता है कि वो मतलब अपनी ही लैंग्वेज को ना तो सही से पढ़ सकता है ना बोल सकता है। एंड रिग्रेटेड हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड केयरलेसनेस। तो देखिए यहाँ पर वो जो है बहुत ही पछतावा भी करता है कि उसने जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिया और उसने कितनी लापरवाही की है, इसके लिए वो पछताता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हेमल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट एंड द पीपल ऑफ द टाउन। तो किस तरह से जो एम हेमल है वो फेयरवेल करते हैं, यानी कि विदाई लेते हैं स्टूडेंट से और पीपल से उस टाउन के। पढ़ लेते हैं यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए वो आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। यहाँ पर एम हेमल लुक्ड वेरी पेल, मतलब यहाँ पर वो काफ़ी पीले से ही मतलब उनका जो रंग है वो उड़ा हुआ सा नज़र आता है। एंड टॉल, काफ़ी लंबे से दिखाई देते हैं, जब आदमी कमज़ोर सा लगता है ना तो वो काफ़ी लंबा सा दिखाई देता है। वैन ही स्टूड अप इन द चेयर, वो चेयर के ऊपर खड़े हुए थे। एंड ऑल द स्टूडेंट वर क्वाइट, सभी जो स्टूडेंट थे क्लास में बिल्कुल शांत थे। द विलेज पीपल, ओल्ड हाउसर, द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर्स एंड सेवरल अदर वर प्रजेंट इन द क्लास रूम। तो देखिए वहाँ पर कुछ विलेजर्स भी प्रजेंट थे, जैसे कि ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर और पोस्ट मास्टर थे, वो सभी वहाँ पर प्रजेंट थे क्लास रूम में। द टीचर टोल्ड द विलेजर्स दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और जो टीचर हैं वो सभी विलेजर्स को, स्टूडेंट्स को, सभी को बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो काफ़ी ब्यूटिफुल है, सबसे सुंदर लैंग्वेज है संसार की। ही एंडेड द क्लास बाई राइटिंग विवला फ्रांस। तो देखिए यहाँ पर वो अपना जो लास्ट करती हैं लेसन का जो एंड करती हैं वो विवला फ्रांस, विवला फ्रांस का मतलब है लिव लॉन्ग फ्रांस। ठीक है, वो ये लिख के एंड करते हैं और वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं ये वर्ड। ही मेड ए गेस्चर, गेस्चर मीन्स होता है इशारा, और वो एक इशारा करते हैं विद हिज हैंड टू इंडिकेट दैट द स्कूल इज डिसमिस्ड एंड द स्टूडेंट कुड गो होम। तो देखिए वो एक इशारा करके अपने हाथ से कहते हैं और इशारा देते हैं कि स्कूल ख़त्म हो गया और सभी स्टूडेंट अपने घर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैड द बुलेटिन बोर्ड बिकम अ सेंटर ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग द लास्ट टू ईयर्स। पिछले दो सालों से जो बुलेटिन बोर्ड था वो मतलब अटेंशन का सेंटर क्यों बना हुआ था, सभी उस पर ध्यान क्यों देते थे, जानते हैं। फॉर द पास्ट टू ईयर्स द न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स
वर डिस्प्लेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो देखिए पिछले 2 सालों से जितनी भी खबर आती थी, जैसे कि लॉस्ट बैटल की न्यूज़ हो गई कि वो युद्ध हार गए हैं, या फिर ड्राफ्ट की हो गई, या फिर कोई भी कमांडिंग ऑफिसर जो है कोई भी ऑर्डर देता था, वो सारी चीज़ें बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिखी जाती थी। पीपल थ्रोंग द बुलेटिन बोर्ड टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन। तो देखिए लोग क्या किया करते थे, उस बुलेटिन बोर्ड के पास इकट्ठा हो जाया करते थे उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, पढ़ने के लिए। दिस वॉज द रीज़न वाई इट हैड बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन। तो देखिए यही कारण था कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वॉज टैम्पटिंग फ्रांस टू कीप अवे फ्रॉम द स्कूल दैट मॉर्निंग। तो देखिए वो क्या चीज़ें थी जिससे फ्रांस अट्रैक्ट हो रहा था, स्कूल नहीं आना चाह रहा था उस सुबह की बात। देखिए फ्रांस वॉज सपोज टू लर्न पार्टिसिपल एज अ पार्ट ऑफ हिज स्कूल वर्क विच ही हैड नॉट डन। तो देखिए पार्टिसिपल जो था उसका स्कूल होमवर्क था और वो उसने नहीं किया था। देयरफॉर ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय एम हेमल। इसलिए उसे डर लग रहा था कि एम हेमल उसे जाते ही डांटेंगे। ऑल्सो ही वॉन्टेड टू स्पेंड द डे आउटडोर एज इट वॉज वार्म एंड ब्राइट। तो देखिए वो चाहता था कि आज का दिन काफ़ी गर्म भी है, ब्राइट भी है, तो वो चाहता था कि स्कूल के बाहर ही उसे रुकना चाहिए। द साइट ऑफ द ट्रिपिंग बर्ड एंड द पर्सियन सोल्जर ड्रिलिंग अपील टू हिम मोर देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। तो देखिए ये जो शाइट थी, यानी कि पक्षियों के चहचहाने की जो आवाज़ थी, और जो पर्सियन सोल्जर थे वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे सोमेल के पास, तो ये सारी चीज़ें जो है उसे पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा अच्छी लगती थी और वो उसे अपनी तरफ आकर्षित भी करती थी। व्हाट वॉज द अनयूजल अबाउट एम हेमल्स ड्रेस एंड बिहेवियर ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो देखिए जिस दिन उनका आखिरी फ्रेंच का लेसन था उस दिन एम हेमल की ड्रेस क्या थी, क्या अनयूजल था उसमें, और उनका बिहेवियर किस तरह से अनयूजल था, मतलब हर रोज की तरह नहीं था। वैन एवर फ्रांच अराइव लेट, जब फ्रांच लेट पहुंचता है, ही वॉज मेट बाई एन एंग्री टीचर। लेट पहुंचता था तो वो एक एंग्री टीचर से मिलता था, यानी कि उस समय पर टीचर गुस्सा हुआ करते थे। दिस टाइम हाउ एवर ही हैड अनाउंस एस्टोनिस्ड वैन ही वॉज वेलकम बाई द काइंड एंड पोलाइट एम हेमल। तो देखिए आज जो है फ्रांस काफ़ी आश्चर्यचकित था ये देखकर कि एम हेमल ने कैसी काइंडली उसे वेलकम किया है, कितना पोलाइटली बुलाया है। दिस वॉज क्वाइट कंट्ररी टू हिज नेचर, मतलब उनके नेचर के, एम हेमल के नेचर के बिल्कुल वो विपरीत था। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ, और तो उन्होंने अपने बहुत अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे, सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। अब ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना एक सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल शर्ट एंड एम्ब्रॉयडरीड ब्लैक सिल्क कैप। तो देखिए उन्होंने अपनी फ्रिल शर्ट पहन रखी थी और अपनी एम्ब्रॉयडरी जो सिल्क कैप थी वो पहन के रखी हुई थी। विच ही वोर ओनली इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जो उसे केवल वो इंस्पेक्शन के दिन या प्राइज डे के दिन पहना करते थे, वो ड्रेस उन्होंने उस दिन पहनी हुई थी। वाई हैड एम हेमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। देखिए अपने उन्होंने संडे क्लॉथ, अच्छे वाले संडे क्लॉथ क्यों पहन रखे थे ये पूछा जा रहा है। वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के पीछे जो ओल्ड मैन थे, यानी कि बूढ़े आदमी थे, वो क्यों बैठे हुए थे विलेज के। क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल आसान सा है, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लासरूम। देखिए कौन बैठा हुआ था क्लासरूम की बैक बेंचेज पर ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन के दिन वो क्यों बैठे हुए थे। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। द बैक बेंचेज वर ऑक्यूपाइड बाय द पीपल ऑफ विलेज। तो देखिए गाँव के जो लोग थे उन्होंने उन्हें घेर के रखा हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं वो उनके ऊपर बैठे हुए थे। जैसे कि ओल्ड हाउजर था, हु हैड हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, जिसने अपनी थ्री कॉर्नर्ड हैट को पहन रखा था। द फॉर्मर मेयर, जो पुराने मेयर थे वो बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले पोस्ट मास्टर हुआ करते थे वो बैठे थे। एंड सेवरल अदर एल्डर्स, और दूसरे भी एल्डर्स थे वहाँ पर। दे हैड कम टू एक्सप्रेस दियर रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द एम हेमल एंड सोरो दैट ही हैड टू लीव फॉर दियर मिडेस्ट। तो देखिए वो जो है अपनी रिस्पेक्ट और
मतलब उन्हें सम्मान देने के लिए वहाँ पर आए थे और दुख प्रकट करने के लिए आए थे कि वो जो है अपने स्कूल को बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं। गिवन दैट दिस वॉज हिज लास्ट लेसन, और वो जो है उनका लास्ट लेसन था इसलिए वो वहाँ पर आए हुए थे। एम हैमल वॉज ऑल्सो ड्रेस इन अ फाइन संडे क्लॉथ्स दैट ही ओनली वोर ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और उनका लास्ट लेसन था इसलिए वो आज अपनी अच्छी ड्रेस पहन कर आए थे जो केवल वो संडे या इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर पहना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांच परफॉर्म व्हेन हिज टर्न कम टू रिसाइट, हाउ डिड एम हैमल रिएक्ट। तो देखिए जब जब फ्रांच की बारी आती है पढ़ने की, रिसाइट करने की, दोहराने की, तो किस तरह से एम हैमल रिएक्ट करते हैं और किस तरह से जो फ्रांच था वो परफॉर्म कर पाता है, क्या वो पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता है, वो हम क्वेश्चन में जानते हैं। फ्रांच नेम वॉज कॉल्ड एंड ही वॉज आस्क्ड टू रिसाइट। तो देखिए फ्रांच का नाम बुलाया गया और उसे पढ़ने के लिए कहा गया। डेस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट, हालांकि उसने काफ़ी अच्छा एफर्ट किया, ही गोट मिक्स अप, लेकिन उसने सारी चीज़ें मिला दी, जैसे कहीं तो आता नहीं था। ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द से उसने सब कुछ मिक्सअप कर दिया। ही स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, और अपनी डेस्क को पकड़ कर वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। हिज हार्ट बीट फास्ट, और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। एंड ही डिड नॉट डेयर टू लुक अप, और उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो ऊपर देख पाए। एम हैमल टोल्ड हिम इन अ पोलाइट टोन दैट ही वुड नॉट बी स्कॉल्डेड एज ही वॉज नॉट द ओनली वन हु नेगलेक्ट लर्निंग फ्रेंच। तो देखिए यहाँ पर एम हैमल जो है उसे कहते हैं, बहुत ही पोलाइट टोन में कहते हैं कि वो उसे डांटेंगे नहीं, क्योंकि केवल वही ऐसा नहीं है जिसने नेगलेक्ट किया हो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने में। मैनी अदर इन द अल्सेस शेयर्ड His fate because of persuasion। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसे और भी बहुत हैं जिन्होंने ऐसा ही किया है और वो कहीं ना कहीं अपनी मतलब जिम्मेदारी से भागे और अपनी लैंग्वेज को उन्होंने नहीं सीखा है। ही सेड दैट एवरी वन हैड अ ग्रेट डील टू रिप्रोच देमसेल्फ विद। तो देखिए वो कहते हैं कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही डील किया है और वो जो हैं अपनी चीज़ों को नहीं अच्छे से सीख पाए हैं। How did फ्रांच perform when his turn come to recite this is done? Yes, यहाँ पर देखते हैं। We have all a great deal to reproach ourselves with. Why did M. Hamel blame the parents and himself too for not showing due attention for and care to the learning of French? तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने ये line कही थी, तो यहाँ पर पूछा गया है कि एम हैमल क्यों ब्लेम करती हैं पेरेंट्स को, अपने आप को, कि उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया सही से फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने में। तो देखिए एम हैमल क्या कहते हैं, जानते हैं। एम हैमल डिड नॉट होल्ड फ्रेंच कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिबल फॉर नेगलेक्टिंग द लर्निंग ऑफ फ्रेंच। तो देखिए अकेले वो फ्रेंच को ही इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं कि उन्होंने लर्निंग को नेगलेक्ट किया। मोस्ट पीपल ऑफ अल्सेस ओनली pretended to be Frenchmen। तो देखिए वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग एल्सेस के अंदर ऐसे हैं कि वो प्रिटेंड करते हैं, बहाना करते हैं कि वो फ्रेंचमैन हैं। बट दे कुड नाइदर स्पीक नॉर राइट दियर ऑन लैंग्वेज, और वो कहते हैं कि ना तो वो अपनी लैंग्वेज को बोल पाते हैं और तो ना लिख पाते हैं। द पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस टू हैव देम लर्न, और वो कहते हैं पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं कि पेरेंट्स को भी चिंता नहीं है उन्हें सिखाने की। They performed to put the children on the farm or at the mill to earn a little more money। और वो कहते हैं कि वो जो है बच्चों को भेज दिया करते थे किसी फार्म में काम करने के लिए, किसी मिल में काम करने के लिए, जिससे वो थोड़ा और पैसा कमा सकें। ही इवन हेल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल एज ही ऑफन सेंड द स्टूडेंट टू वाटर हिज फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग दियर लेसन। वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि मैं भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी उन्हें वाटरिंग करने के लिए, अपने फ्लावर्स में वाटरिंग करने के लिए भेज दिया करता था लेसन को छोड़कर। ही ऑल्सो यूज टू गिव दैम अ होलीडे वैन एवर ही वॉन्ट टू गो फॉर फिशिंग, और वो ये भी कहते हैं कि मैं कभी कभी उन्हें छुट्टी भी दे दिया करता था जब उन्हें फिशिंग करने के लिए जाना होता था। वाई वॉज एम हैमल ड्रेस इन फॉर्मल क्लॉथ इन स्कूल, क्यों आए थे आज वो अपने फॉर्मल क्लॉथ में। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम हैमल वॉज वियरिंग ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट ब्लैक शिल कैप ऑन दैट डे एज इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन द स्कूल, जैसे कि आज उनका लास्ट लेसन था स्कूल में, इसीलिए आज उन्होंने अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी थी, ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट ब्लैक
सिल्क कैप उन्होंने पहन रखी थी। द जर्मन हैड टेकन ओवर अल्सेस एंड लॉरेन। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जर्मन ने अपना आधिपत्य जमा लिया था अल्सेस और लॉरेन के ऊपर। एंड हेट्रिटो जर्मन वाज टू टॉट इन स्कूल, और कहा गया था कि अब उन्हें जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी उनके स्कूल में। ही वाज प्राउड ऑफ बीइंग फ्रेंच एंड वाज अटैच्ड टू द टाउन स्कूल एंड पीपल। तो देखिए जो एम हेमल थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्व था कि वो उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज आती है और वो जो है इस टाउन से, स्कूल से और पीपल से जुड़े हुए हैं। ही वॉज ड्रेस्ड इन द बेस्ट फॉर्मल क्लॉथ, और इसीलिए वो आज अपने सबसे अच्छे फॉर्मल क्लॉथ में आए थे। एज ही वॉज बाइंडिंग एड्यू टू द पीपल ऑफ अल्सेस, जैसे कि वो धन्यवाद देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं वहाँ के लोगों से। हाउ डज एम हेमल प्रूव टू बी एन आइडियल टीचर, किस तरह से जो एम हेमल थे वो एक आइडियल टीचर बने। ठीक है, जानते हैं एम हेमल ब्रिंग होम द मैसेज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ लव फॉर द मदर टंग एंड द पेट्रोटिज्म। तो देखिए यहाँ पर वो जो है एक वो एक मैसेज देना चाहते थे, इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते थे सभी को कि उनकी मदर टंग और उनकी जो देशभक्ति की भावना है ना वो कितनी ज़रूरी है। ही एक्सप्लेन थिंग वेल एज आस्क स्टूडेंट टू कंटिन्यू लर्निंग फ्रेंच इवन वैन ही इज़ गोन। तो देखिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आज जो भी स्टूडेंट्स ने पूछा और जानना चाहा उसे बहुत अच्छे तरीके से पेशेंटली जो है पेशेंसली एक्सप्लेन किया। हैंस ही प्रूव टू बी एन आइडियल टीचर, इस तरह से वो एक आइडियल टीचर जो है आज बने रहे थे, सामने बनकर आए। हाउ वॉज एम हेमल ड्रेस डिफरेंटली दैट डे, किस तरह से उन्होंने डिफरेंटली ड्रेस पहनी थी। बहुत ही सिंपल सा है, हम कई बार पढ़ चुके हैं ग्रीन कोट। आई थिंक इतनी बार पढ़ने से तो आपको माइंड में अच्छे से बैठ गया होगा और क्वेश्चन को आप गलत नहीं करके आएंगे। उन्होंने ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल शर्ट पहनी थी, ब्लैक कैप पहनी थी स्कूल में। ही अनाउंस दैट इट वॉज दियर लास्ट लेसन, उन्होंने अनाउंस भी किया कि आज उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच का। दैट जर्मन विल बी टॉट इन दिस स्कूल इन द फ्यूचर, और वो कहते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज जो है पढ़ाई जाएगी। ही वॉज प्राउड टू बी बींग फ्रेंच एंड अपसेट बाई ऑक्यूपेशन ऑफ अल्सेस बाई द जर्मन। तो देखिए वो जो है कहीं ना कहीं उन्हें अपने ऊपर गर्व भी था कि उनकी लैंग्वेज जो है फ्रेंच है, और वो जो है इस बात से अपसेट भी थे कि अब से जो है यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। ही वॉज वेरी अटैच्ड टू द टाउन द स्कूल एंड इट्स पीपल, और वो जो हैं वहाँ के स्कूल से, टाउन से और वहाँ के लोगों से काफ़ी जुड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा उनका लगाव था वहाँ से, तो इसलिए वो काफ़ी सैड होते हैं। व्हाट हैड द नैरेटर काउंटेड ऑन टू एंटर द स्कूल अननोटिस। तो देखिए व्हाट हैड द नैरेटर, नैरेटर कौन है, यहाँ पर फ्रांच है। ठीक है, वो किस तरह से मतलब काउंट करता है कि वो मतलब अननोटिस हुए ही, मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं देगा और वो जो है स्कूल के अंदर चला जाएगा। पहले कैसे जाया करता था वो ये हम पढ़ते हैं। द टीचर रैप द रूलर एंड बैंगिंग ऑन द डेस्क। तो देखिए जो टीचर होते थे उनके हाथ में रूलर होता था, वो डेस्क के ऊपर उसको पटकते रहते थे। एंड द लेसन रिपीटेड वुड बी सो लाउड दैट इट कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट। तो देखिए लेसन जो है इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ा जाता था कि वो जो है बाहर से ही, गली से ही सुना जा सकता था। द ऑथर थॉट दिस बैकग्राउंड नॉइस वुड बी शील्ड एंड ही कुड एंटर द स्कूल अननोटिस। और यहाँ पर जो फ्रांस थे यानी कि ऑथर थे, उन्होंने ये सोचा कि ऐसी ही कुछ बैकग्राउंड नॉइस होगी और वो जो है उन पर कोई ध्यान नहीं देगा और इस तरह से वो क्लास के अंदर एंटर हो जाएंगे। वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सीटिंग इन द क्लासरूम, क्यों बैठे हुए थे विलेज के जो एल्डर्स थे वो क्लासरूम के अंदर। द एल्डर ऑफ द विलेज कम टू द क्लासरूम टू अटेंड द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द फ्रेंच टीचर। तो देखिए यहाँ पर जो एल्डर्स थे वो क्लासरूम के लिए इसलिए आए थे क्योंकि लास्ट लेसन था वो फ्रेंच लैंग्वेज का, और वो जो है रेस्पेक्ट करने के लिए आए थे फ्रेंच टीचर की, एम हेमल की, हु हैड बीन टीचिंग देयर फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, क्योंकि वो पिछले 40 सालों से वहाँ पर पढ़ा रहे थे। दीज एल्डर्स हैड नॉट स्टडीड वेल एंड कुड नॉट रीड एंड राइट इन दियर मदर टंग, एंड सो एज इट वॉज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दैम दे कम टू अटेंड द क्लास।
तो देखिए यहाँ पर बताया गया था कि वो सभी जो एल्डर्स हैं, वो जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था, ना ही वो अपनी लैंग्वेज को, मदर टंग को पढ़ना जानते थे, ना ही वो लिखना जानते थे। एंड सो एज इट वॉज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम, और ये उनके लिए एक आखिरी मौका था, दे केम टू अटेंड द क्लास, और वो इसीलिए क्लास को अटेंड करने के लिए वहाँ पर आए थे। हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वॉज डियर लास्ट फ्रेंच लेसन? तो देखिए हम पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक फिर भी हम आंसर को जान लेते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पूछा गया है आपका 2013 में। फ्रांस वॉज शॉक्ड एंड सैड व्हेन ही हर्ड द न्यूज़। तो देखिए जब उसे इस न्यूज़ का पता चलता है कि मतलब ऐसा होगा कि हम अब जर्मन लैंग्वेज को पढ़ेंगे, फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, सडनली ही डेवलप अ लाइकिंग फॉर हिज लैंग्वेज एंड वॉज कीन टू लर्न फ्रेंच। तो देखिए अब वो जो है अचानक से उसे उस लैंग्वेज को पसंद करना करने लग जाते हैं, और वो चाहते हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखें। ही वॉज रिमर्सफुल फॉर नॉट लर्निंग वेल इन द पास्ट एंड वॉज सेड दैट हिज टीचर एम हेमल वुड गो अवे। तो देखिए अब वो जो है इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं दुखी थे कि उन्होंने पास्ट में जो है अच्छे से लर्निंग नहीं की, और जो एम हेमल टीचर हैं उनके वो अब चले जाने वाले हैं। टू हिम हिज बुक्स हैड बिकम ओल्ड फ्रेंड हुम ही वॉज नॉट रेडी टू पार्ट हिम। तो देखिए अब जो उनकी किताबें थी ना, उनके दोस्त की तरह, ओल्ड फ्रेंड की तरह लग रही थी, जिन्हें वो पहले बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड फ्रांस वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे। उस दिन जब फ्रांस क्लास के अंदर एंटर होते हैं तो वो किस तरह से वंडर होते हैं, यानी कि आश्चर्यचकित होते हैं। यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस मिस हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हम इस तरह से दे सकते हैं इजीली, मतलब किस तरह से वंडर थे। तो देखिए वंडर इसलिए थे क्योंकि उस दिन हर चीज़ जो है क्वाइट लग रही थी, बिल्कुल शांति थी, और जो विलेजर्स थे वो लास्ट बेंचेस पर बैठे हुए थे, जो उनके टीचर थे उनकी जो ड्रेसिंग थी वो भी बिल्कुल डिफरेंट थी, और उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल चेंज था। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन हमारे सामने शो हो रहा है कि मोरल क्या है स्टोरी की, ये हम कह सकते हैं द मोरल ऑफ हिज स्टूडेंट बाई सेइंग दैट, किस तरह से वो अपने बच्चों को मोरल देते हैं, कुछ बताते हैं, वैल्यू बताते हैं। तो देखिए वो अपने स्टूडेंट को मोरल देते हैं कहकर दैट दो दे हैव themselves टू ब्लेम फॉर नॉट अटेंडिंग द स्कूल, कि अगर भले ही हम अपने आप को दोषी माने कि हमने सही से स्कूल को अटेंड नहीं किया, एंड ही हिमसेल्फ हैड टू ब्लेम द डिसग्रेस हिमसेल्फ फॉर गिविंग अननेसेसरी हॉलीडे टू स्टूडेंट, और अपने आप को भी कहते हैं कि वो जो है सही से वो स्कूल उन्होंने मतलब नहीं अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, उन्हें हॉलीडे दे दिया। ही स्टिल होप, वो फिर भी आशा करते हैं दैट दे कुड मेंड दियर वे, लेकिन वो अपने रास्ते को नहीं भूलेंगे, अपने रास्ते को बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इफ़ दिस हैड बीन एम हेमल्स फर्स्ट लेसन, सपोज करो कि ये एम हेमल का फर्स्ट लेसन होता, हाउ डू यू थिंक द स्कूल एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट माइट हैव बीन इम्पैक्टेड, किस तरह का इम्पैक्ट होता। देखिए इफ दिस हैज़ बीन एम हेमल्स फर्स्ट लेसन, अगर ये लास्ट लेसन ना होके फर्स्ट लेसन होता, देन द स्टूडेंट वुड नॉट हैव गिवन अ सच रिस्पेक्टफुल रेस्पॉन्स टू द टीचर। तो देखिए वो टीचर के लिए भी इतना रिस्पेक्टफुल रेस्पॉन्स नहीं देते, एज वेल एज दियर मदर टंग, ना ही अपनी मदर टंग को इतना रिस्पॉन्स देते। दे वुड हैव बीन इग्नोर्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल, और वो जो है स्कूल के इम्पोर्टेंस को इग्नोर करते। द टीचर एंड द फ्रेंच लैंग्वेज, टीचर को भी इग्नोर करते और फ्रेंच लैंग्वेज को भी इग्नोर करते। आगे पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, उनके लास्ट लेसन के अंत में एम हेमल डिसाइड टू लीव अ लिटिल नोट फॉर ईच ऑफ स्टूडेंट फॉर देम टू फाइंड द नेक्स्ट डे एट दियर डेस्क। सपोज करो कि ऐसा होता कि एम हेमल डिसाइड करते कि चलो अपने स्टूडेंट के लिए कुछ नोटिस छोड़ते हैं अगले दिन के लिए, और उनके डेस्क पर होता बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ द स्टोरी, जैसा कि हमने स्टोरी को पढ़ा है, व्हाट माइट हिज नॉट टू बी टू फ्रांच रीड। तो देखिए हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उनका नोटिस होता फ्रांच के लिए। डियर फ्रांच आई नो यू हैव ऑलवेज प्रेफर टू रन इन ओपन फील्ड। तो वो लिखते डियर फ्रांच मैं जानता हूँ
कि तुम जो है हमेशा क्या चाहते थे कि तुम ओपन फील्ड में जाओ, कलेक्ट बर्ड्स एग्स, बर्ड्स के एग्स को कलेक्ट करो एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, और नेचर के साथ अपना समय बिताओ। बट यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट लर्निंग अवर मदर टंग इज़ मोस्ट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है, उसे सीखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। वी हैव नॉट डन दिस ड्यूटी सिंसियरली, और हमने जो है इस ड्यूटी को सिंसियरली नहीं किया है एज अ रिजल्ट। और उसका रिजल्ट क्या हुआ है? पर्सियन हैव इम्पोज्ड दियर लैंग्वेज ऑन अस, और पर्सियन ने अपनी लैंग्वेज को हमारे ऊपर थोप दिया है, कह दिया गया है तुम्हें फ्रेंच को छोड़ना है, जर्मन पढ़ना है। आई सा इन माई लास्ट लेसन दैट यू वर ग्रेटली हर्ट, और मैंने देखा अपने लास्ट लेसन के दौरान कि तुम बहुत ही दुखी थे। आई अपील टू यू नॉट टू लॉस होप, और मैं अपील करूँगा, तुमसे चाहूँगा कि तुम अपनी आशा को मत खो एंड कीप मेकिंग एफर्ट टू लर्न फ्रेंच, और तुम कोशिश करते रहो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की। तो देखिए ये होता उनका नोटिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डू द रेजिडेंट ऑफ अलसेस रियलाइज हाउ प्रीसियस दियर लैंग्वेज इज टू देम, कब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो लैंग्वेज है, जो विलेजर्स थे या वहाँ के रहने वाले थे, उन्हें कब रियलाइज़ होता है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी प्रीसियस है उनके लिए। इन द स्टोरी द लास्ट लेसन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलसेस एंड लॉरेन वर पास्ड इनटू द पर्सियन हैंड। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रेंच की डिस्ट्रिक्ट थे, अलसेस एंड लॉरेन थे, वहाँ पर पता चला कि वो पर्सियन के हाथों में आ गया है, यानी कि अब उनका आधिपत्य हो गया है उसके ऊपर। हैंस दे रिसीव्ड एन ऑर्डर, और इसीलिए उन्हें एक ऑर्डर दिया गया है बर्लिन से दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अलसेस एंड लॉरेन। तो देखिए इसीलिए उन्हें बर्लिन से ऑर्डर मिला है कि केवल जर्मन तुम्हें पढ़नी होगी इन स्कूल में। इट वाज देन दैट ऑल ऑफ देम रियलाइज द वैल्यू ऑफ दियर लैंग्वेज, और यही कारण था कि अब उन्हें अपनी लैंग्वेज की जो वैल्यू थी वो रियलाइज हो रही थी। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ विलेजर सिटिंग एट द बैक इन एम हैमल्स क्लासरूम। तो देखिए ये जो विलेजर्स थे ये एम हैमल के क्लासरूम में बैठे हुए थे, उसका क्या महत्व है इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। द विलेज एल्डर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग एम हैमल्स लास्ट लेसन बिकॉज दे रियलाइज दैट दे वर नॉट एब्सोल्युटली इग्नोर दे वर एब्सोल्युटली इग्नोर अबाउट दियर ऑन लैंग्वेज। तो देखिए जो विलेजर्स थे वो बैठे हुए थे लास्ट बेंचेस पर एम हैमल के लास्ट लेसन के दौरान, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हुआ था कि वास्तव में उन्होंने जो है इग्नोर किया अपनी खुद की लैंग्वेज को। द विलेजर्स वॉन्टेड टू थैंक एम हैमल फॉर द 30 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शो दियर रेस्पेक्ट एज ही वॉज गोइंग टू रिप्लेस बाई अ न्यू टीचर। और जो टीचर्स थे वो एम हैमल को थैंक करने के लिए आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी 40 साल तक बहुत ही फेथफुल सर्विस दी थी, और वो रेस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे क्योंकि वो अब जा रहे थे और वो नए टीचर जो है उनकी जगह पर आने वाले थे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने सभी क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट। यहाँ पर हमारे 2-3 क्वेश्चंस मिस हो गए थे, अगर आपकी क्वेरी होगी तो मैं उन्हें ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जिससे कि इसका प्रॉफिट उन्हें भी मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है लॉन्ग क्वेश्चंस इसी चैप्टर से, ठीक है। और आने वाली कुछ वीडियोस में हम पोएम के सभी क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही में हम पोएटिक डिवाइस को भी समझने वाले हैं। तो स्किप मत करिएगा वीडियो को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपके आने वाले टाइम तक, यानी कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स तक, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप कोई क्वेश्चन मिस करके ना आए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।